because people take money from both sides and then vote whoever they want to vote. Okay, it was a so differentiator way, when some way, one people, person was distributed. People are tweeting about this Clubhouse thing and they're saying that Prashant Kishore, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on Twitter, tagging me and other people and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal. But who's done that? Okay, then okay. Listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. Yeah. This is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. Yeah, that also I think all no, of us no. know. No, Sanjay, not everything is recorded. No, the Clubhouse keeps record. Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a... What is it? Because it's not like they haven't seen, you know, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. Prashant, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10% 15% 20% 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. Modi is very popular. यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जिस जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 इयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब और सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देर इज सम एलिमेंट विच बीजेपी इज एक्सप्लॉइटिंग एंड दैट एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बाय सम ऑफ दीज पार्टीज। तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, I'm sorry to interrupt you. May I please request everyone who's not speaking to switch off their mics? I mean, you can put your... अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, SC, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है।
प्लस पोलराइजेशन तो है ही है. Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी Mathua will 75 BJP 25 Trinamool. हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है. तो सरकार किसकी बन रही है उसमें predominantly BJP ही आता है हम लोग के भी सर्वे में. उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भाई ऐसा क्यों आ रहा है. ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है. जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10-15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है. तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है. लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी. कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए. एक जो उसका सब्सटेंसी है तो परसेप्शन की बात हो गई. जो सब्सटेंसी इशू ग्राउंड पे है जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है. ऐसी बात नहीं है. ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का एक दो जिला अगर छोड़ दें आप जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है. Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, you know, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, you know, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP.